हेलो गाइस, यू आर वेलकम इन अवर यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, दोस्तों, आपका हमारे यूट्यूब चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। फ्रेंड्स, मैं काफ़ी दिन से वीडियो पोस्ट नहीं कर रहा था बिकॉज मैं छुट्टियों में आउट ऑफ इंडिया घूमने गया हुआ था। सो मैं आपको सॉरी कहता हूँ उसके लिए। उसके कुछ वीडियो, जैसे मैं एशियन कंट्रीज में घूम के आया, उसके कुछ वीडियोज़ मैंने अपने राज रिकॉर्ड चैनल में डाले हुए हैं। आप चाहें तो उनको देखकर एंजॉय कर सकते हैं। सो फ्रेंड्स, आज का हमारा टॉपिक है वॉशिंग मशीन के स्पिनर की, ड्रायर की मोटर। आप इसको स्पिनर की मोटर बोल सकते हैं, ड्रायर की मोटर बोल सकते हैं, और कपड़े सुखाने वाली मोटर भी बोल सकते हैं। नाम अलग अलग हैं, मोटर एक है। सो आज हम करेंगे इसको रिवाइंड। ये मेरे पास मोटर है LG कंपनी की। ये LG कंपनी का स्टेटर है। इसके स्लॉट हैं छोटे और बड़े। ये देखिए, ये बड़ा स्लॉट है, ये दोनों छोटे हैं। दो साइड पे बड़े बड़े स्लॉट और बीच में दोनों छोटे स्लॉट, इस तरह से इसके स्लॉट्स होते हैं। सो फ्रेंड्स, आप चाहें तो किसी और मोटर जिसका इसके साथ कोर साइज सेम हो, उसमें भी ये डाटा आप डाल सकते हैं, कोई इशू नहीं होने वाला। सेम डाटा अगर आपका स्टेटर साइज सेम है तो उसमें भी डाल सकते हैं। जैसा कि मैं पहले देखता था वीडियोकॉन में और LG में, स्टेटर जो होते थे मोस्टली पहले सेम होते थे, हम उनमें सेम डाटा डाल देते थे, कोई इशू नहीं होता था, बहुत अच्छी मोटर दोनों चलती थी। सो इस तरह से आप देखिए, जो भी आपको स्लॉट सेम लगते हैं, कोर साइज नापिए, इसका इनर डाया आउटर डाया नापिए, और साथ में स्लॉट्स का भी ख्याल रखिए, स्लॉट्स भी साइज में भी डिफरेंट हो जाता है। वॉशिंग मशीन में मोस्टली दो तीन तरह के स्लॉट्स आते हैं, एक सेम स्लॉट होते हैं, एक बड़े छोटे स्लॉट होते हैं, एक बिल्कुल छोटे स्लॉट होते हैं, ई क्लास, ए क्लास, और कुछ बड़े छोटे स्लॉट्स होते हैं उनका। मैं अगर आपको नाम पता है तो आप प्लीज़ कमेंट बॉक्स में लिखिए कि उन स्लॉट्स को क्या बोलते हैं। सो फ्रेंड्स, ई क्लास और ए क्लास तो नॉर्मल, ए क्लास की मोटर जो होती है उसको वाइंड करना थोड़ा आसान होता है, ई क्लास थोड़ी सी मोटर टाइट होती है। जो बड़े छोटे स्लॉट्स होते हैं उनका तो आपको पता ही है कि उसमें थोड़ी सी हल्की सी मोटर टाइट होती है, लेकिन कोई इतना बड़ा इशू नहीं होता, आप आराम से उस मोटर को वाइंड कर सकते हैं। सो, आज हमारे पास है LG का स्टेटर। ये देखिए LG की स्टैंपिंग है। हम सबसे पहले इसकी कोर की मेजरमेंट करते हैं, जैसा कि हम अपने सारे वीडियोस में करते हैं, क्योंकि अगर आपको कोर की लेंथ पता होगी तभी आप वो डाटा डालेंगे और तभी मोटर वो आपकी चलेगी। सो फ्रेंड, सबसे पहले कोर लेंथ नापी है। कोर लेंथ है 6 सूत, और इसका इनर डाया है अप्रॉक्सीमेट 2 इंच 6 सूत, और इसका आउटर डाया है अप्रॉक्सीमेट 4 इंच 2 सूत। जैसा कि मैंने आपके सामने कोर की मेजरमेंट की है, इस हिसाब से आप कोर लेंथ नाप लीजिए। और हम इसमें 4 क्वाइल नीचे डालेंगे, 4 ही ऊपर डालेंगे। नीचे हम डालेंगे 31 नंबर और ऊपर हम डालेंगे 33 नंबर। 31 नंबर से हम 150 टर्न डालेंगे 4 पिच में, 300 डालेंगे 6 पिच में, और 33 नंबर से हम 155 टर्न डालेंगे 4 पिच में, 2 बार हम घुमाएंगे और 310 बन जाएंगी, और हम लच्छे से इसको वाइंड करेंगे। सबसे पहले करते हैं पहला क्वाइल डालना स्टार्ट। सो फ्रेंड्स, जैसा कि मैंने बताया, इसके स्लॉट हैं बड़े छोटे। ये स्लॉट छोटा है, ये भी छोटा है, ये दोनों बड़े हैं। हम बड़े स्लॉट्स में डालना स्टार्ट करेंगे। आप इसमें कहीं से नहीं स्टार्ट कर सकते। अगर एक समान स्लॉट है फिर आप जहाँ से मर्जी स्टार्ट कीजिए। मैंने इसमें क्रैम्पल का पेपर यूज़ किया है, बढ़िया वाला, आप भी कर सकते हैं। आप चाहें तो वाइट पेपर भी यूज़ कर सकते हैं, वो भी चल जाएगा। 7 नंबर का वाइट पेपर यूज़ कीजिए। इसमें शीट बिल्कुल मत डालिए बिकॉज ये स्पिनर की मोटर है, अगर कहीं भी थोड़ी सी लीकेज हुई पानी की तो मोटर बहुत जल्दी ख़राब हो जाती है। सो इसलिए इसमें वाइट पेपर या क्रैम्पल पेपर ही डालिए। ये देखिए, ये बड़े स्लॉट में शुरू किया, ये लेफ्ट साइड का सिरा आपने इस तरह से रखना है, ये राइट साइड का सिरा, क्वाइल को घुमा दीजिए लच्छे को, और ये देखिए हमारा एक बार क्वाइल डल गया, एक बार फिर से घुमाया, हमारा दूसरी बार भी क्वाइल डल गया।
लीजिए इसका आगे वाला सिरा, इस तरह से कॉइल को उठाइए, आगे वाले सिरे को आगे वाले सिरे से जाने दीजिए, बीच में एक स्लॉट आप खाली छोड़ दीजिए, पिच आप रखिए 1 से 4, बीच में 2 स्लॉट खाली छोड़िए। जैसा कि मैंने बताया कि रनिंग में हम डालेंगे 31 नंबर और 31 नंबर से डालेंगे हम 150 टर्न, 150 को 2 बार घुमाइए बन जाएंगे 300। ये देखिए पहले हमने 1 बार घुमाया लच्छे को, साथ में दूसरी बार भी घुमा दिया। इस तरह से माय डियर फ्रेंड मेरे पास है ये लाइनर, लेकिन मैंने इसको अच्छी तरह से बफ किया हुआ है। मैंने अपने हर एक वीडियो में बताता हूँ, बिकॉज मेरे कुछ फ्रेंड्स ने पहले इतराज किया था कि आप स्क्रू ड्राइवर से कॉइल डालते हो, लेकिन फ्रेंड मुझे पता है कि स्क्रू ड्राइवर से स्क्रैच डालते हैं, मैंने इसलिए इसको बिल्कुल अपने हिसाब से सेट किया हुआ है। टेम्पर करके मैंने इसको बफ किया हुआ, बाद में इसको स्क्रैच लेस बनाया हुआ है। जैसे मर्जी मैं घिसाऊंगा स्क्रैचेस से नहीं डरेंगे। हम डाल रहे हैं अपना तीसरा कॉइल, थर्ड कॉइल। ये है एक एलजी की स्पिनर की मोटर, आप इसको ड्रायर की मोटर भी बोल सकते हैं। अगर आप अपनी लोकल लैंग्वेज में इसको कपड़े सुखाने वाली मशीन की मोटर भी बोल सकते हैं। वॉशिंग मशीन में मोस्टली 2 मोटर होती हैं, एक रनिंग की मोटर होती है जो कि हमारी धोने वाली साइड की होती है, जिसको हम वॉश मोटर बोलते हैं। वो जो होती है गियर बॉक्स में लगा होता है, गियर बॉक्स के साथ उसमें बेल्ट चलती है, बेल्ट के साथ वो अटैच होती है। उसमें मोस्टली पानी डलने का इतना रिस्क नहीं रहता, लेकिन जो ये ड्रायर की मोटर होती है इसमें पानी डलने का बहुत ज़्यादा रिस्क रहता है। इसलिए जब भी ये मोटर ख़राब हो इसकी सील को आप ज़रूर देखें, ड्रायर की जो सील हो, और कोशिश करेंगे जब भी डालें ओरिजिनल सील ही डालें। लोकल सील्स आप डाल देंगे तो परेशानी हो सकती है। नेक्स्ट टू नेक्स्ट ये बैक अपना सिरा वापस आ गया। मैं यू भी ये वाइट पेपर के ही डाल रहा हूं। ये हम डाल रहे हैं अपना 4th कॉइल। सो फ्रेंड्स ये देखिए अपने चारों कॉइल डाल चुके हैं। ये है राइट सिरा, लेफ्ट टू लेफ्ट, राइट टू राइट, लेफ्ट टू लेफ्ट। ये राइट के दोनों सिरे अपने आगे बाहर, इनसे हम कनेक्शन करेंगे मेन। तो चलिए अभी मैं लगाता हूँ इसको टेप। टेप भी एक सेपरेशन का काम करती है, इससे हमें डबल सेपरेशन की फैसिलिटी मिल जाती है।
सो माय डियर फ्रेंड्स, करते हैं इसका स्टार्टिंग का पार्ट स्टार्ट। ये देखिए, एक इसका जे सिरा था, एक जे सिरा है।